और रूस पर ये सारे आरोप यूक्रेन ने सबूत के साथ लगाए। उसकी तरफ से दो सैनिकों के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो भी जारी किया गया और बताया गया कि जिन दो जवानों के बीच फोन पर बातचीत हुई वो रूस के थे। आरोप है कि रूस अपने सैनिकों की मौत का असली आंकड़ा नहीं बता रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने तो जंग में अब तक 23,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया। वहीं नेटो का अनुमान है कि लगभग 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि रूस ने कुछ दिन पहले एक बयान जारी कर अपने करीब 3,000 फौजियों के मारे जाने की बात मानी थी। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि जंग में अब तक सबसे ज्यादा मौत रूसी सैनिकों की ही हुई है। उसने ये भी आरोप लगाया कि पुतिन अपने टॉप जनरलों की मौत की असली संख्या भी छिपा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर जंग के बीच आम लोगों के घरों और बाजार में लूटपाट करने का आरोप लगाया, जिसके सबूत के तौर पर उसकी ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक एक वॉशिंग मशीन के साथ खड़ा दिखाई दिया। दावा किया गया कि ये वॉशिंग मशीन यूक्रेन से खदेड़े गए रूसी सैनिकों के एक ठिकाने से बरामद की गई। हालांकि यूक्रेन ने यह नहीं बताया कि ये वीडियो किस जगह का है, लेकिन उसका आरोप है कि कई इलाकों से भागते वक्त रूस के सैनिक वॉशिंग मशीन ही नहीं बल्कि कपड़े, मोटरसाइकिल और दूसरी चीजें लूट कर साथ ले गए। यही नहीं, ये भी दावा किया गया कि यूक्रेन से लूटे गए सामान को बेचने के लिए बेलारूस में एक बाजार भी लगा, जहां यूक्रेन से लूटी गई वॉशिंग मशीन, फ्रिज और दूसरी जरूरी चीजों की बोली लगाई गई। उधर यूक्रेन में जंग के बीच खबरें उड़ने लगी कि पुतिन की वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का डर सही साबित हो सकता है। कैनेडी का वो डर है परमाणु युद्ध का। और CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी के उसी डर के बारे में लिखा। रिपोर्ट में लिखा गया कि पुतिन जिस कश्मकश में हैं, उससे कैनेडी का भयानक सपना सच हो सकता है, क्योंकि 1962 में उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया को कभी ऐसी स्थिति में नहीं खड़े होने देना है जिसकी वजह से परमाणु युद्ध हो जाए। यूक्रेन में जंग के बाद पुतिन कई बार इशारों में कह चुके हैं कि पश्चिमी देश नहीं माने तो वो परमाणु हथियार चला देंगे। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि उनके सैनिक परमाणु हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। CNN ने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं बातों का जिक्र किया। यूक्रेन जिस तरह से रूस से लड़ रहा है उससे पुतिन हताश हो चुके हैं। 1962 में जब क्यूबा में तब के सोवियत संघ ने मिसाइलें तैनात की थी तो जवाब में अमेरिका ने भी लड़ाकू विमान तैनात कर दिए थे, और क्यूबा के मुद्दे पर सोवियत संघ और अमेरिका भिड़ने वाले थे। लेकिन कैनेडी की पहल के बाद दोनों देशों में समझौता हुआ और एक बड़ी जंग होते होते बची। कैनेडी ने उसी समय परमाणु युद्ध का डर जताया था, जिस पर अब बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि पुतिन अगर यूक्रेन में नहीं जीते तो वो हताश होकर परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं। इस बीच रूस पर खार्किव में यूक्रेन के आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगा। बताया गया कि पुतिन की फौज के हमले में 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ही खार्किव छोड़कर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में हुए इस हमले में उनकी यात्रा पर ब्रेक लग गया। जो तस्वीरें खार्किव से सामने आईं, उनमें एक के पीछे एक कई गाड़ियां जली हुई दिखी। उनकी हालत को देखकर यह अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि जिस वक्त हमला हुआ होगा उन गाड़ियों में सवार लोगों पर क्या बीती होगी। चीख पुकार मच गई होगी और उन लोगों को ये समझ ही नहीं आ पाया होगा कि आखिर वो अपनी जान बचाने के लिए क्या रास्ता अपनाएं। Наши сограждане, которые пытались эвакуироваться. गाड़ियों के आसपास जो सामान मिला उसने ये साफ कर दिया कि बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद थे। उन मासूमों के खिलौने और कपड़े जहां तहां बिखरे नजर आए। हालांकि उन गाड़ियों में सवार लोग गए कहां इसका पता नहीं चल सका। तो यूक्रेन की अब तक कई बार मदद कर चुके अमेरिका ने एक बार फिर उसे बड़ा पैकेज देने का ऐलान किया। खास बात यह कि इस मदद में रूस की संपत्तियों और बड़े कारोबारियों की यॉट को बेचकर जुटाई गई रकम भी शामिल है। यानी रूस की संपत्ति अब यूक्रेन के काम आएगी। असल में यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। इसके साथ ही अमेरिका में रह रहे कई रूसी कारोबारियों पर भी इस तरह की सख्ती बरती गई थी, और तो और उनकी कई संपत्तियां भी जब्त कर ली गई थी, जिनमें कई महंगी यॉट भी शामिल हैं। खबर है कि उन्हें बेचकर अमेरिका ने जो रकम जुटाई उसे वो अब यूक्रेन को मदद के तौर पर देगा। इसके साथ ही अमेरिकी संसद ने $40 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 3,00,000 करोड़ की मदद देने वाले एक बिल को मंजूरी दे दी। बताया गया कि इसमें $67 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 500 करोड़ रुपए रूसी संपत्तियों को बेचकर अमेरिका ने जुटाए हैं। इस बीच खबर आई कि यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से रूस और भारत के बीच कारोबार में बड़ा उछाल आया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि भारत में रूस से होने वाला इंपोर्ट तो 3 गुना बढ़ गया, लेकिन भारत से होने वाला एक्सपोर्ट लगभग ठप हो गया।
जिसकी बड़ी वजह कच्चे तेल पर भारत से हुआ सौदा बना। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी किल्लत होने की आशंका की वजह से देश में इम्पोर्ट बढ़ गया। कच्चे तेल के अलावा भारत में कोयले का भी बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट हुआ। दूसरी तरफ भारत से रूस को होने वाला एक्सपोर्ट काफी कम हो गया। दावा यह है कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से पेमेंट का सिस्टम बिगड़ गया। मतलब ये कि रूस की कंपनियां डॉलर में पेमेंट करने में नाकाम रहीं और पेमेंट का नया सिस्टम नहीं बन पाया। इसीलिए रूस में अपना सामान भेजने वाली भारत की कंपनियों ने एक्सपोर्ट रोक दिए। खबर है कि 24 अप्रैल से 8 मई के बीच के डेढ़ महीने के दौरान रूस से भारत में होने वाला इंपोर्ट 3 गुना बढ़ गया। इस दौरान रूस से होने वाला भारत का कुल इंपोर्ट $4.5 बिलियन मतलब करीब 36,000 करोड़ रुपए का रहा, जबकि 2021 के इसी डेढ़ महीने में यह आंकड़ा करीब $1.5 बिलियन ही था, भारतीय रुपयों में करीब 11,000 करोड़ रुपए। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा है कच्चे तेल का। पहले कभी भी भारत रूस से कच्चा तेल बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेता था। पिछले साल इस डेढ़ महीने में भारत ने $377 मिलियन यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए का तेल लिया, जबकि इस बार $85 करोड़ मतलब 14,000 करोड़ रुपए ये रहा। लेकिन एक्सपोर्ट जो पिछले साल इस डेढ़ महीने में $62 करोड़ से ज्यादा का रहा था, वो गिरकर केवल $26 करोड़ पर आ गया। मतलब रुपए में कुल एक्सपोर्ट करीब 4,500 करोड़ से गिरकर 2,000 करोड़ पर पहुंच गया। सबसे बड़ा असर दवाओं और मेडिकल उपकरणों के उद्योग पर हुआ, जिसका एक्सपोर्ट पिछले साल $10 करोड़ मतलब 770 करोड़ रुपए रहा था, वो इस बार गिरकर $6 करोड़ मतलब 460 करोड़ रुपए पर आ गया। खबर है कि यूक्रेन की जंग में अपना लोहा मनवा चुकी अमेरिका की जैवलिन मिसाइल को छोड़कर भारत ने इसराइल की स्पाइक NLOS मिसाइल पर दांव लगाया है। एक रिपोर्ट का दावा है कि भारतीय वायुसेना इसराइल से लंबी दूरी के इस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को खरीदने की तैयारी में, जो कि दूर से ही अपने दुश्मन को तो ढेर कर देगी लेकिन उसकी फायरिंग रेंज से दूर रहेगी। यानी भारत की सेना जंग में दुश्मन पर तो खुलकर वार कर सकेगी लेकिन दुश्मन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बताया गया कि इसराइल की स्पाइक NLOS ऐसी गाइडेड मिसाइल है जो बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को चीर डालेगी। असल में जिस तरह यूक्रेन के एंटी टैंक हथियारों ने रूस के दमदार टैंकों का कचूमर निकाला है, उसके बाद एंटी टैंक ड्रोन और मिसाइलें जंग के नए और बहुत बड़े हथियार बनकर उभरे हैं। और खबर है कि इसलिए भारत इसराइल की एंटी टैंक मिसाइल खरीदने की तैयारी में। वैसे तो अमेरिका की जैवलिन मिसाइल यूक्रेन में अपना दम दिखा चुकी है लेकिन उसे सैनिक अपने कंधे पर रखकर चलाते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को Mi-17V5 हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा। मतलब मिसाइल आसमान से दागी जाएगी जो कि करीब 32 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर फट पड़ेगी। स्पाइक मिसाइल के नाम में ही NLOS लगा है, जिसका मतलब है नॉन लाइन ऑफ साइट यानी लंबी रेंज। उसकी 32 किलोमीटर की रेंज इतनी ज्यादा है कि भारत का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर युद्ध में दुश्मन का तो शिकार कर सकेगा लेकिन दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर दुश्मन की जद से ही बाहर होगा। यानी उसका काम तमाम करके Mi-17V5 हेलीकॉप्टर सुरक्षित जंग के मैदान से लौट आएगा। इतना ही नहीं, स्पाइक मिसाइल जैमिंग और दुश्मन की खड़ी की गई दूसरी रुकावटों को धता बताकर अपने निशाने को मार गिराने की ताकत रखती है। इसराइल की स्पाइक मिसाइल में ये सब खूबियां तो हैं ही, लेकिन खबर है कि जैवलिन के बजाय स्पाइक मिसाइल को चुनने की एक बड़ी वजह इसराइल का उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी होना है। कहा जा रहा है कि भारत की तैयारी इसराइल से तकनीक लेकर अपने यहां खुद स्पाइक मिसाइल बनाने की है, जो कि PM के मेक इन इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाएगी।